असलम गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल डॉक्टर काना जोत आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट सो गाइज आज जो है वो गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर टू है उसका लेक्चर नंबर एटीन है लास्ट लेक्चर है सो ये चैप्टर अब कम्प्लीट हो जाएगा सो so, आज के ऑब्जेक्टिव है हमारे पास लोकोमोशन ऑफ़ दी सेल्स एमीवाइड मूवमेंट्स मकैनिजम ऑफ एमीवाइड लोकोमोशन टाइप्स ऑफ सेल्स दैट एक्सबिट एक्सिबिट एनीबॉय लोकोमोशन कंट्रोल ऑफ द एनीबॉय लोकोमोशन कीमोटेक्सेज सिलिया एंड सेलोरी मूवमेंट्स एंड मकैनिजम ऑफ दी सेलोरी मूवमेंट्स सो ये हमारे पास बेसिक्स मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो आप लोगों ने कवर करने हैं ठीक है आज के इस टॉपिक में सो so, uh, अब लेक्चर की तरफ चलते हैं लोकोमोशन ऑफ द सेल बाई द फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स अकर इन द बॉडी इज सेट द मसल सेल इन स्केलेटन्स खाड़क एंड स्मूथ मसल्स ठीक है विच कंस्टिट्यूट अबाउट ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द इंटायर बॉडी मास द टू अदर टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स एम लोकोमोशन मोशन एंड सलरी मूवमेंट्स अकर इन दी अदर सेल्स अच्छा लोकोमोशन ऑफ द सेल्स देखो हमारी बॉडी में जो मेन आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वो कार्डिक मसल स्केलेटन मसल्स एंड स्मूथ मसल्स में जो मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन हो रही हैं ठीक है रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन उनकी मसल्स की मूवमेंट्स मसल वहाँ पे आयस वगैरह आप पढ़ेंगे उसके अलावा एक्शन प्रोडेंशन के थ्रू वो मसल्स की मेनली मूवमेंट्स हो रही होती है तो वो बहुत लेंदी टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो गाइटन ने आगे चल के स्केलेटल मसल्स की फिजोलॉजी में डिस्कस किया है ठीक है उसके अलावा उन मेन मसल्स मूवमेंट्स के अलावा जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं उसमें हमारे पास एमीबॉय लोकोमोशन एंड सिलवरी मूवमेंट्स होती हैं जो कि अदर सेल्स मीन्स के मसल सेल्स के अलावा बाकी जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो अमीबॉयड और सिलरी मूवमेंट जो हैं वो परफॉर्म करते हैं देन आगे चलते हैं अमीबॉयड मूवमेंट इज मूवमेंट्स ऑफ इंटायर सेल इन रिलेशन टू सराउंडेड इट सराउंड मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स थ्रो टिश्यूज इट रिजीव इट्स नेम्स फ्राम द फैक्ट दैट अमीबा मूव इन दिस मैनर एंड हैव प्रोवाइडेड एन एक्सेलेंट टूल फॉर स्टडी दिस फिनना ओके अमीबॉइन मूवमेंट है क्या अमीबॉइन मूवमेंट को अमीबॉइन मूवमेंट बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूवमेंट अमीबा की तरह होती है ठीक है और कौन से पर्टिकुलर सेल्स ये मूवमेंट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो कि थ्रू आउट दी टिश्यूज़ मूव करते हैं सो so, यहाँ पे हमें बस ये पता होना चाहिए कि अमीबाइट मूवमेंट इसे क्यों कहते हैं क्योंकि ये इसकी मूवमेंट लाइक एन अमीबा होती है जैसे अमीबा मूव करता है उसकी तरीके से इसकी मूवमेंट्स है और ये स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होती है जो कि टिश्यूज़ के अंदर मूव करते हैं ठीक है देन हम आगे चलते हैं टिपिकली अमोड लोकोमोशन बिगेन विद द प्रोट्यूशन ऑफ एंड सीडोपोडियम फ्राम वन एंड ऑफ द सेल द सीडोपोडियम प्रोजेक्ट फार आउट अवे फ्राम द सेल बॉडी एंड पार्शली सिक्योर्स इट सेल्फ इन अ न्यू टिश्यू एरिया देन द रिमांडर ऑफ द सेल इज पुल्ड टूवर दीडोमोडियम अच्छा सीडोपोडियम अब क्या है यह एमिबॉय मूवमेंट आप लोगों को तो पता चल गया कि सीडोपोडियम की फॉर्म में होगी मतलब क्या होता है कि सेल uh, है हमारे पास कोई भी सेल है वो थोड़ा सा उसकी सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी प्रोटूश उसकी प्रोटूशन होती है मीन्स कि वो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी मूव करती है एक सीडोपोडियम तौर पर ठीक है फिर उसी साइड की तरफ उसी सेल की तरफ जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं उस बॉडी के वो मूव करना स्टार्ट करते हैं और ये मूवमेंट होती है पहले मैं आपको सीडोपोडियम का कॉन्सेप्ट समझा दूँ लाइक सीडोपोडिया और सीडोपोडियम

के सीडियोपोरियम की फॉर्म में वो सेल मेम्ब्रेन वो सेल जो है वो पहले आप देख रहे हैं कि उसकी जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ पे थोड़ा सा सेल किस तरीके से मूव कर रहा है मींस के वो आराम आराम से मूव कर रहा है ठीक है मींस कि वो एक अलग अपनी लॉन्गीट्यूटल वे बना रहा है और फिर वो वहाँ से जाके मूव कर रहा है सो so, ये हमारे पास क्या होती है इसकी मूवमेंट्स होती है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ देखो क्या होता है कि ये ठीक है ये ये जो पोर्शन है सीरोपोडियम का विल तो यू ये यहाँ पे जो ये पोर्शन है सीरोपोडियम का मीन्स कि ये पूरी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे सेल की है ठीक है अब सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये सेल जो है वो आगे की तरफ यू मूव कर रहा है ये सेल आई की तरफ यू मूव कर रहा है तो ये इसकी जो प्रोटीशन हो रही है ये जो मूवमेंट हो रही है ये इसकी सीडो मूवमेंट है अब पूरा सेल आराम आराम से रिमेनिंग सेल इसी पोर्शन में आगे आगे जाते जाएंगे और ये पूरी मूवमेंट होगी तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं इसी मूवमेंट को हम लोग सीडोपोडियम कहते हैं सीडो पोडियम ठीक है देन ये अब इसी डायग्राम में यही चीज़ें बनाई गई हैं कि फिगर टू पॉइंट सिक्सटीन डेमोस्ट्रेट दिस प्रोसेस शोइंग एंड elongated cells the right handed end of which is protruding pseudopodium the mem uh, the membrane of this end of the cell is continually moving forward and the membrane at the left hand end of the cell is continually forming along as cell moves ठीक है वही बात वो समझा रहे हैं means की क्या होगा ये हमारे पास एक पूरा cell है like ये हमारे पास जो है वो एक पूरा ये हमारे पास पूरा cell है ठीक है पहले cell membrane ने इस तरीके से movement की पहले cell membrane new जा रही है ठीक है अब ये इसका रिमेनिंग सेल इसी पोर्शन में मूव कर रहा है तो ये यहाँ से यूं यूं चलता जाएगा और ये पूरी मूवमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी उस सेल की जहाँ पे उस सेल ने जाना है जहाँ पे उस सेल का टारगेट पॉइंट है तो ये इस तरीके से वाइट ब्लड सेल्स की मीन्स के मूवमेंट होती है इसी मैनर में अमीबॉइड मूवमेंट में ठीक है जो इन्होंने डायग्राम में समझाई आगे चलते हैं फिगर टू पॉइंट सिक्सटीन शोज दर्नल प्रिंसिपल ऑफ द मोशन बेसिकली इट्स ए रिजल्ट फ्राम कंटिन्यूट फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल मेम्ब्रेन at the leading edge of the pseudopodium and continual absorption of the membrane in the middle and rear portions of the cell or this form the continual portion mein cell membrane and a form or newly developed and move karri hoti also two other effects are essential for forward movements of the cell the first effect is attachment of the pseudopodium to surrounding tissue so that it becomes fixed in its leading position while the remainder of the cell सेल बॉडी इज़ पुल फॉरवर्ड टूवर्ड दी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अच्छा क्या होता है कि क्योंकि उस सेल को पूरा जाके मूव करना होता है तो उस सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने टारगेटेड सेल तक जाके लग जाती है ताकि उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी उस तरफ मूव करना शुरू हो जाए दिस अटैचमेंट इज अफेक्टेड बाई द रिसेप्टर प्रोटीन दट लाइन द इनसाइड ऑफ एक्जोसाइटो वेजिकल अच्छा इस मेम्ब्रेन को कुछ रिसेप्टर जो हैं वो इसे अफेक्ट भी करते हैं जो एग वेजिकल्स होती हैं वेजिकल्स आपने पढ़ाया कि गोल्डियाब्रीटर सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस तरीके से वेजिकल्स बनती हैं सबसे पहले क्या होता है कोई भी सबस्ट्रेंथ आता है तो पीनोफाइकोडिन या फेगोसाइटोसिस के थ्रू हम लोग वेजिकल्स फॉर्म होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर और फिर वो उसे एनोसाइजर प्रोसेस के थ्रू इनसाइड दी लेके जाती हैं या फिर अगर एग्जोसाइडर तो वह वेजिकल्स बाहर मूव करेंगे सो वन द वेजिकल्स बिकम पार्ट ऑफ सीडोपोडी मेमब्रेन दे ओपन सो दैट देर इनसाइड इवन एवर्क टू दउटसाइड एंड नाउ प्रोटीव टू दउटसाइड एंड अटैच टू दैंगवेज इन दराउंड इशू अब क्या होती हैं ये जो वेजिकल्स पार्ट होता है या फिर वेजिकल्स होती हैं सीडोपोडी मेम्रेन की ये ओपन हो जाती हैं ठीक है और फिर ये आउटसाइड मूव करना स्टार्ट करती हैं और फिर एंड द रिसेप्टर नाउ प्रोटीड टू द एंड दिन इन दी सराउंडिंग टिश्यूज अब उस वेजिकल uh, को मूव करना होता है तो वहाँ का जो भी मटेरियल है वो नेक्स्ट टारगेटिंग सेल तक पहुँच जाएगा मीन्स के नेक्स्ट उसका जो लैगेंड सेल्स होगा वो वहाँ पर जाएगा एट द अपोजिट एंड ऑफ द सेल द रिसेप्टर्स पुल अवे फ्रॉम देयर लाइगेंस एंड फॉर्म न्यू एंडोसाइटोटिक वेजिकल्स अच्छा अब क्या होगा एट द अपोजिट एंड ऑफ द सेल द रिसेप्टर्स पुल अवे फ्राम देयर लाइगेंट्स एंड फॉर्म न्यू एंटोसाइटिक वेजिकल्स अब एक वेजिकल्स रिमूव हो गई है तो अब न्यू एंडोसाइटोटिक वेजिकल जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे देन इन साइड द सेल दिस वेजिकल इज ट्रीम टू वर् दीडोमोडियम एंड ऑफ द सेल्स वेर दे आर यूज टू फॉर्म स्टिल न्यू मेमब्रेन फॉर दीडोमोडियम अब क्या होगा इनसाइड द वेजिकल जो है वो न्यूली फॉर्म करेंगे हमारे पास सेल मेब्रेन जिस तरीके से पिछले प्रोसेस आप लोग याद करके आ चुके हैं कि किस तरीके से वेजिकल्स फॉर्म हो रही हैं किस तरीके से गोल्जी ऑपरेटर्स एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम्स की वेजिकल जो है वो न्यू तरीके से सेल मेमरी बनाती दें वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट होगा ओके देन आगे चलते हैं द सेकेंड इसेंशियल इफेक्ट फॉर लोको मोशन इज टू प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द सेल बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ सीडोमोडियम अच्छा अब हमें यहाँ पे सेकेंड इसेंशियल इफेक्ट हमें एटीपी की ज़रूरत होती है इस पूरी मूवमेंट में एक्सपेरिमेंट सजेस्ट द फॉलोइंग एज एन एक्सपेसन इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल इज़ अ मॉडरेट टू लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक्टिन अच्छा एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है तमाम सेल्स का वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिन फिल्मेंट होता है ठीक है मसल्स के अंदर एक्टिन एंड माओसिन फिल्मेंट्स होते हैं जो कि मूव करवाते हैं तो यहाँ पर भी वो एक्टिन फिल्मेंट जो है इसमें हेल्प करता है मस्ट ऑफ द एक्टिन इज इन दॉर्म ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल दैट डू नॉट प्रोवाइड एनी मोटिव पावर हावर दिस पॉलिमराइज टू फॉर्म अ फिलामेंट नेटवर्क एंड द नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट मैन इट्स बाइंग विद एन एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स मायोसिन वही बात है कि मतलब इस अमोबाइल मूवमेंट के अंदर भी एक्टिन फिलामेंट्स होता है लेकिन सिंगल एक्टिन फिलामेंट ये पूरा काम नहीं करवा सकता हेल्प नहीं कर सकता बल्कि वो एक्टिन फिल्मेंट्स मिल के एक नेटवर्क बनाते हैं और फिर वो नेटवर्क जो है वो अटैच होता है मायोसिन के साथ एंड देन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे डेवलप होता है द होल प्रोसेस इज इनर्जाइज बाई द हाई एनर्जी कंपाउंड ए टी पी दैट इज वट हैपन इन दीडोपोडियम ऑफ आर मूविंग सेल वेयर सच अटवर्केंट फॉर्म साइड दिन लार्जिंग सीडोपोडियम कंट्रेक्शन ऑल्सो अकर इन द एक्टोप्लाज्मा सेल बॉडी वेयर अ प्री एग्जिस्टिंग इज ऑलरेडी प्रेजेंट बिनीथ द सेल मेब्रेन अच्छा बस ये याद रखें कि इस होल प्रोसेस में ये जो हमारे पास होल प्रोसेस अमीबॉडी मूवमेंट का पूरा प्रोसेस हुआ है इसमें ए टी पी की जरूरत होती है ठीक है और इस सीडोपोडियम के कंस्ट्रक्शन मीन्स के ये जो इतना पोर्शन किस तरीके से पहले सीडोपोडियम किस तरीके से फॉर्म हो रहा है वो सेल्स कैसे जो है वो प्रोट्यूट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं उनकी कंफ्रक्शन होती है और फिर वही उसको मूव करवाते हैं ठीक है और जो रिमाइंडर प्री एग्जिस्टिंग हमारे पास एक्टिन मायोसिन फिल्मेंट्स होते हैं फिर इसी तरीके से वो भी अपना काम शुरू करते हैं कॉन्फ्रक्शन एक्सटेंशन का और न्यू सीडोपोडियम को फॉर्म करवाते हैं ठीक है देन आगे चलते हैं द टाइप्स ऑफ सेल्स दैट एग्जिबिट अमोबाइल लोकोमोशन द मोस्ट कॉमन सेल्स टू एग्जिबिट अमार लोकोमोशन इन द ह्यूमन बॉडी आर द वाइट ब्लड सेल्स वैन दे मूव आउट ऑफ द ब्लड इन टू द टिश्यूज टू फॉर्म टिश्यू माइक्रोफेज बहुत uh, जो आपसे कोई पूछे कि अमोबाइल लोकोमोशन की हमारी बॉडी में कौन सी एग्जाम्पल्स हैं तो डब्ल्यू बी सीज हैं डब्ल्यू बी सीज इसी तरीके से जो है वो हमारे पास टिश्यूज तक मूव करती हैं टिशूज़ टू फॉर्म मैक्रोफेजेस बनाने के लिए अदर टाइप्स ऑफ सेल्स कैन ऑल्सो मूव बाई दोको मोशन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में दूसरे भी जो सेल्स हैं वो भी मूव करते हैं फॉर इंस्टेंस फेब्रोप्लास्ट मूव इन टू द डैमेज एरिया टू हेल्प रिपेयर द डैमेज एंड इवन द जर्मिनल सेल्स ऑफ द स्किन थ्रो ऑर्डिनरी कंप्लीटलीजाइस सेल्स मूव टू वर्ड कट एरिया टू रिपेयर दू अपनिंग देखो एक वाइट ब्लड सेल जो है उनके अंदर ये एमीबाइन मूवमेंट होती है दूसरी हमारे पास कौन सी मूवमेंट होती है फेब्रोब्लास्ट जो हमारे पास फेब्रोब्लास्ट है वो मूव करते हैं डैमेज एरिया तक ठीक है स्किन के ताकि उसे रिपेयर कर सकें सो so, ये हमारे पास क्या होते हैं वाइट ब्लड सेल्स की सिंपल uh, उनकी uh, जो है एमीबाइन मूवमेंट किस किस सेल में होती है उसकी एग्जाम्पल हैं फाइनली सेल लोकोमोशन इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अच्छा सेल लोकोमोशन जो है वो स्पेशली इम्पॉर्टेंट होती है कहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है फर्टिलाइजेशन में ठीक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ऑफ़ द एम्ब्रियो एंड फीटस आफ्टर फर्टिलाइज जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है ओवम की तो उस वक्त जो है ये हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं और इंस्टेंस एम्ब्रियोनिक सेल्स ऑफन मस्ट माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द साइट ऑफ न्यू ऑफ ओरिजिन टू न्यू एरियाज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर अच्छा देखो आप एम्ब्रियो पढ़ोगे तो एम्ब्रियो के अंदर जो है वो सेल्स की माइग्रेशन हो रही होती है तो वो जो सेल्स की माइग्रेशन होती है वो भी इन्हीं मूवमेंट्स के थ्रू होती है यही मूवमेंट्स जो है वहाँ पे जाके मूव करवाती हैं उन सेल्स को और फिर डेवलपमेंट होती है एक न्यूली फॉर्म स्ट्रक्चर की सो so, ये उसके हमारे पास इंपॉर्टेंस देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटर ऑफ एम्बायर लोकोमोशन इज द प्रोसेस काल दी कीमोटैक्सिस अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ये कंट्रोल ऑफ एम्बायर लोकोमोशन कीमोटैक्सिस के एम्बायर मोशन को कंट्रोल कौन करता है तो सबसे पहले इसमें कीमोटॉसिस का प्रोसेस होता है जो कि इस मोशन को कंट्रोल करता है दिस रिजल्ट फ्रॉम द अपेयरेंस ऑफ सर्टिन केमिकल सब्सटेंस इन दिस रिजल्ट फ्राम द अपेयरेंस ऑफ सर्टिन केमिकल सब्सिटेंस इन द टिश्यूज मीन्स कि ये कीमोटेक्सिस सर्टेन काइंट के टिश्यूज़ में हमारे पास केमिकल्स होते हैं जिन्हें कीमोटैक्सिस कहते हैं और इसकी वजह से मूवमेंट्स होती हैं मीनस कि कोई भी मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स हो रही है तो उसे हम लोग कीमोटैक्सिस कहेंगे एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कॉजे कीमोटैक्सिस टू अकर इस खाल दी कीमोटैक्टिक सब्सटेंस और वो वो सब्सेंस जो कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट करवाता है उसे हम लोग कीमोटैक्टिक्स सब्सटेंस कहते हैं तो so, सिंपली याद करें कि एमोवाइट जो लोकोमोशन है वो इनिशिएट किस वजह से होती है उसका इनिशिएटर कौन होता है जैसे स्टूमलेस स्लेंगे कौन होता है तो वो कीमोटेक्सिस सब्सटेंसेस की वजह से होती है ठीक है देन मोस्ट सेल्स दैट इज बिट एग्जिबिट अ मोबाइल लोगो मोशन मूव टूवर्ड दोर्स ऑफ अ कीमोटेक्टिस सब्सटेंस दैट इज फ्रॉम एन एरिया ऑफ द लोअर कंसटेशन टू एन एरिया ऑफ द हायर कंसटेशन विच इज कल्ड पॉजिटिव कीमोटेक्सिस अच्छा ये कोई भी मोबाइल मूवमेंट हो रही होती है तो ये ऑलरेडी एरिया ऑफ हायर लोअर कंसटेशन टूवर एन एरिया ऑफ हायर कंसट्रेशन होती है जिसे हम लोग पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कहते हैं मीन्स के सेल्स जो है वो एरिया ऑफ द लोअर कंसटेशन से एरिया ऑफ द हायर कंसट्रेशन की तरफ मूव करेगा सम सेल्स मूव अवे फ्रॉम दोर्स विच इसका नेगेटिव कीमोटेक्सिस कुछ सेल जो है उन केमिकल सब्सटेंसेज के जो है वो अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं उसे हम लोग नेगेटिव कीमोटेक्सिस कहते हैं ठीक है देखो कोई भी सेल्स कीमोटैक्सिस सब्सटेंस के की करीब जाएगा तो उसे पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कहेंगे और कोई भी उससे दूर जाएगा तो उसे नेगेटिव कीमोटैक्सिस कहेंगे आगे चलते हैं बट हाउ डज कीमोटैक्सिस कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द दायर लोकोमोशन आंसर इज नॉट सर्टेन इट इज नॉट दैट द साइड ऑफ द सेल मोस्ट एक्सपोज टू द सस्टेन डेवलप मैब्रेन चेंजेस दैट कॉज सीडोमेटेड टू कॉज द सीडोपोडियल प्रोट्यूशन अच्छा वो बोल रहे हैं कि कैसे किस तरीके से कीमोटैक्सिस जो है आ, वो अमीवाइड लोकोमोशन को कंट्रोल करती है तो इसका अभी तक जवाब नहीं है मतलब इतना क्लियर नहीं है इतना यकीन ही नहीं है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी कीमोटेक्टिस सब्सटेंसेस होते हैं उस तरफ जब सेल ने मूव करना होता है तो उसे अट्रैक्शन मिलती है और सीडो पोडियल प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की और सेल जो है वहाँ पे मूव करना स्टार्ट हो जाता है अब सिलिया एंड सिलरी मूवमेंट क्या है अ सेकेंड टाइप ऑफ सेलोर मोशन सिलरी मूवमेंट इज़ अ विप लाइक मूवमेंट ऑफ सिलिया ऑन द सरफेस ऑफ सर अच्छा ये एक विप लाइक फॉर्म में जो है वो मूवमेंट होती है सिलिया की ओके ये हमारे पास क्या होती है एक विप लाइक मूवमेंट होती है दिस अकर इन ओनली टू प्लेसेस इन ह्यूमन बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द रेस्पायटरी एयरवे एंड ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब फिलोपियन ट्यूब ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक आप इनके एरियाज याद कर लें कि सिलोरी मोशन कहाँ पर होती है रेस्पायट्री एयरवेज में होती हैं ठीक है ठीके? और यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर होती है फिलिपिन ट्यूब्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है उसकी आप लोगों ने पढ़ा होगा में फिलिपाइन ट्यूब्स वहाँ पे होती है और इन साइड देस्पायटी एयरवेज हैं वहाँ पे होती है इन द नेजल कैविटी एंड लोअर रेस्पायट्री एयरवेज द विप लाइक मोशन ऑफ द सेलियर कॉज अ लेयर ऑफ म्यूकस टू मूव एट द रेट ऑफ अबाउट वन सेंटीमीटर पर मिनंट टी फेयरिंग इन दिस वे कंटिन्यूटी क्लियरिंग दिज पास वेज ऑफ द म्यूकस एंड पार्टिसिमेंट इन दैट है ट्रैप इन दी म्यूकस अच्छा देखो यहाँ पे ये क्यों मूवमेंट होती है ये मूवमेंट सिलरी मूवमेंट यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस होता है ठीक है अब वो ये सिलरी मूवमेंट उस म्यूकस की मेम्ब्रेन की इस म्यूकस को फेरेंसिक्स तक लेके जाती है और इस तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी वहाँ से मूव करवाती है ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाती है Nasals में होती हैं इन द द दिलरी कोज स्लो मूवमेंट्स ऑफ द फ्लूड फ्राम दस्टियम ऑफ ट्यूब टू द यूट्रस कैविटी। दिस मूवमेंट ऑफ फ्लूड ट्रांसफर दोम फ्राम द ओवरी टू द यूट्रस अच्छा ओवरी को ओमम से आ, देखो ओवम को ओवरी से यूट्रस तक पहुँचाने में भी यही मूवमेंट जो है वो हेल्प करती है ये सिलिया लाइक समझ लें कि ये पाओ कि मतलब एक सिलिया सिलिया आप लोगों ने पढ़े होंगे केवल वो छोटी छोटी प्रशंस होती हैं ठीक है थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनकी मूवमेंट से क्या होता है कि जो भी ओवम होता है हमारे पास वो ओवरी से यूट्रस तक जाता है तो ये मूवमेंट हमारे पास कौन करवाता है ये मूवमेंट हमारे पास यूट्राइन कह कह कै, सकते हैं कि सिलवरी मूवमेंट है और सिलियास करवाते हैं